तो आप देखिए, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद रेलवे ने अतिक्रमण क्षेत्र का जायजा भी किया है। अधिकारियों ने अतिक्रमण क्षेत्र की पिलर बंदी करा दी है, यानी जो रेलवे है और जो प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रेलवे के एडीआरएम और दूसरे अधिकारी पहुंचे हुए हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने मुनादी भी बकायदा यहां पर करा दी गई है इलाके को खाली कराने को लेकर। और इस मामले में स्थानीय लोगों और प्रशासन का कहना क्या है, आपको पहले सुना देते हैं उनकी बात। चिन्हीकरण जो है वो जो भी माहौल खराब करने की यहाँ कोशिश कर सकते हैं, पुलिस उन पर सतर्क और पैनी नज़र रखे हुए है। तो जो भी आने जाने वाले लोग हैं, जो खुफिया इससे जो है हमारी पूरी टीमें लगी हुई है कि कोई ऐसी माहौल जो है खराब न कर पाए। जो सोशल मीडिया में भी जो है पुलिस पूरी तरह सतर्क है। ज्ञापन के माध्यम से जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसके तहत जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी है उसमें विस्थापन की और कुछ अन्य मांगों को इंगित किया गया है। मेरे द्वारा ज्ञापन उचित माध्यम से संबंधित महामहिम को भेज दिया जाएगा। मुसलमानों को घरों से निकाला जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, कौन जिम्मेवार है उसका? आखिर मुझे बताइए, क्या नफरत से ये मुल्क आगे चलेगा? सैयद अरशद मदनी जो इस जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बराबर रब्ता है और जमीयत उलमा सुप्रीम कोर्ट जा रही है, न्याय की हर उस दरवाजे पर जाएगी जहां से हम प्रभावित लोगों को मुतासिर लोगों को यकीन दहानी के साथ इसके साथ आ रहे हैं कि हमें कामयाबी मिले। तो फिर इंसान